हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू govtjobspreparation.com। दिस इज प्रीति उजलैन और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको सिर्फ वही टेंसेस कवर कराऊंगी जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट वर्जन इसका देखना है तो यूट्यूब चैनल पे मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट जिसकी पहचान होती है विल, शैल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। फ्यूचर टेंस क्या होता है, जिसमें हमारा जो सेंटेंस होता है वो खत्म होता है गा गे गी, कोई काम जो मैं करूंगा। फ्यूचर के लिए जब हम बोलते हैं तो हम वहां पर विल शैल का, छोटी सी बातें ध्यान रखने के लिए हैं, सिर्फ ये दो। विल का यूज कहां होता है, विल का यूज होता है ही शी इट, बॉय बॉयज, नेम ऑफ द पर्सन, यू दे, इन सबके साथ विल का इस्तेमाल होगा। और शैल किसके साथ आएगा, आई और वी के, आई शैल वी शैल। ये जो मैंने आपको यहां लिखवाए ये हमारे स्टैंडर्ड रूल है, यानी कि बिल्कुल सही। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम आई के साथ भी विल का यूज कर लेते हैं, ही के साथ भी, इट के साथ भी, किसी के साथ भी किसी का यूज हो जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड रूल है इंग्लिश का वो फॉलो करता है विल किसके साथ आएगा, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ, और शैल कब आएगा, इन दोनों के साथ। As simple as that. But मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। देखिए, will या shall जो भी है हम उसको किसी को जैसे धमकी देने के लिए या determination होती है किसी चीज की, या फिर हम कोई promise करते हैं उसके लिए हम will का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस नंबर वन लिखा, I dash give you a gift। इसमें से हमें क्या लगाना है, नॉर्मली हमारा रूल क्या कहता है, आई के साथ शैल लगाना है। मतलब कि दूं, शैल हम तब लगाएंगे अगर इस सेंटेंस में मैं लिखती हूँ शैल, तो इसका मतलब हो गया ये एक प्रॉमिस हो गया, दैट आई डैश गिव यू अ गिफ्ट। अगर यहाँ हम शैल लगाते हैं एक तरीके का प्रॉफिट, एक तरीके का प्रॉमिस है ये, तो अगर हम यहाँ शैल लगाते हैं तो इसका मतलब है कि दूंगा या नहीं दूंगा, मतलब पता नहीं है अभी कि मिलेगा गिफ्ट या नहीं मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ विल लगाती हूँ इसका मतलब है ये पक्का श्योर प्रॉमिस है दैट आई विल गिव यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी ही दूंगी। ये सिर्फ हमारे स्पोकन में ठीक है जो हम, लेकिन अब बात करते हैं हम एग्जाम की कि एग्जाम में कैसे आता है। फ्यूचर रिलेटेड जो एरर्स हमारे एग्जाम में आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं, सिर्फ इंटरोगेटिव में। जैसे कि ये दोनों सेंटेंस जो मैंने लिखे इंटरोगेटिव ही है, यहां लिखा है डैश आई बाय अ कार, यहां विल आएगा या शैल आएगा। अब हमें क्या पता ये प्रॉमिस है या क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है, आई के साथ क्या लगता है, शैल। तो अगर हमने यहां शैल लगाया तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड रूल। जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वहां हमें इसी ही रूल को फॉलो करना होगा, तो आई के साथ शैल लगेगा और शी के साथ क्या लगेगा, विल। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है, इसका शैल है और इसका विल है। तो बस इतना ही आता है फ्यूचर इंडेफिनेट में। नेक्स्ट टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ना भी पढ़े तो भी ठीक है। अगर उसकी डिटेल्स चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के चैनल पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, उससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। बाय द टाइम कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।